डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़खर हुसैन फरीदी। आज हम मैथमेटिक्स क्लास सेकंड ईयर चैप्टर 3 इंटीग्रेशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। तो देखें जी, इंटीग्रेशन, सबसे पहले इंटीग्रेशन के अगर डेफिनेशन की तरफ चलें तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूं है कि सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि ये जो आपका चैप्टर 3 है इंटीग्रेशन का, ये सारे का सारा आपका जो चैप्टर 2 था उसका उल्ट है। जो आपने चैप्टर 2 के अंदर किया, उसी चैप्टर 2 के अंदर जो काम था उसी को अगर हम रिवर्स में लेते चले जाएं, उसके मींस फार्मूले, उसके जो हमने मेथड पढ़े, रूल्स पढ़े, उन्हीं को आपने उल्ट करने, एंटी प्रोसेस। इसी तरह अगर मैं इंटीग्रेशन की डेफिनेशन आपको बताऊं तो वो भी क्या है, द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो पता चला कि अगर हम एक्स का डेरिवेटिव लें, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कह दूं कि x का डेरिवेटिव लें तो वो क्या आता था, 1। तो अगर मैं 1 की इंटीग्रेशन लूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, x। तो ये है आपके पास इंटीग्रेशन की कुछ डेफिनेशन और एग्जाम्पल। तो अब आइए, इसका मैं लेक्चर नंबर 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई। तो ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, आइए मैं इसके लिए आपको थोड़ा बहुत जो है वो डिस्कशन आपके साथ करना चाह रहा हूँ। तो देखें, ये हमने कैसे फाइंड करना है कि डी वाई और डेल्टा वाई क्या चीज़ है। तो देखें जी, हमारे पास ये डी वाई और डेल्टा वाई क्या है, बेसिकली ये आपके पास डिफरेंशियल है। क्या है, डिफरेंशियल। आइए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ क्या है। तो देखें जी, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास जो डी एक्स और डेल्टा एक्स है ये होते हैं इक्वल में, और इसके बाद जो डी वाई और डेल्टा वाई ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, अप्रोक्सीमेटली मीन्स तकरीबन बराबर होते हैं। तो आइए इसको अगर मैं आपको ग्राफिकली बताना चाहूँ तो वो कैसे है, ये देखिए मैंने ये ग्राफ बनाया है। यहाँ पे अगर मैं ऐसे ग्राफिकली तौर पे बनाना चाहूँ आपको समझाने के लिए, तो एक पॉइंट लेट्स से दैट ये रखा, दूसरा पॉइंट मैंने ये रखा बाय डॉटेड लाइन। देखें ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो ये आपके पास क्या है, यहां से यहां तक एक्स है, ये आपके पास क्या है, डेल्टा एक्स है, या इसको आप डी एक्स कहें, और ये आपके पास क्या है, डेल्टा एक्स, और ये आपके पास क्या है, डी वाई, और ये क्या है, वाई, और यहाँ पे ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ पे वाई प्लस डेल्टा वाई, और ये आपके पास क्या है, डी वाई, सॉरी डेल्टा वाई। तो देखें जी, यहाँ पे मैंने कैसे बनाया, देखें जी कि यहाँ पे ये एक ग्राफ है, ग्राफ के अंदर मैंने ये एक जो है वो ग्राफिकली एक लाइन खींची। यहाँ पे देखे एक्स एक्सिस के तौर पर अगर देखें तो ये लाइन सीधी जा रही है, तो ये एक्स यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद जो चेंज हो रहा है उसको मैंने डी एक्स का नाम दिया, और डी एक्स जो चेंज हुआ है उसको डेल्टा एक्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखें, जो डी एक्स का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस क्या है, डेल्टा एक्स का। तो इसलिए हमारे पास मैंने लिखा कि डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। और अगर दूसरी बात देखें कि हमारे पास जो वाई था वर्टिकल, यहाँ पे देखे वाई यहां से लेकर यहां तक तो y बिल्कुल सेम डिस्टेंस है, लेकिन उसी के निस्बत जब यहां पे y चला तो यहां पे ये क्या हो गया, डिफरेंशियल y, मींस y के अंदर चेंज आया dy का। लेकिन अगर ग्राफिकली हम देखें तो यहां पे जो y है यहां पे ये चेंज होना शुरू हो गया, क्या हो गया, चेंज। तो ये देखें, ये जो चेंज हुआ उसको मैंने क्या नाम दे दिया, डेल्टा वाई का। और अगर आप देखें कि मैंने लिखा है कि डी वाई अप्रोक्सीमेटली डेल्टा वाई के तकरीबन बराबर होता है, या फिर डेल्टा वाई, ये भी मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा वाई जो है वो ग्रेटर देन डी वाई, वो कैसे, ये देखें इस डिस्टेंस के निस्बत यहां से यहां तक ग्राफिकली डिस्टेंस अगर आप मेजर करें तो वो आपके पास क्या है, बड़े वाला है। तो अगर ये बड़ा है तो इसलिए मैंने लिखा कि डेल्टा वाई ग्रेटर देन डी वाई। तो ये है थोड़ा सा ग्राफिकली आपको मैंने बताया, जो कि, और ये अपने माइंड में रखें, कीप इन माइंड कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, या डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, और डी वाई अप्रोक्सीमेटली डेल्टा वाई। तो आइए जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसका अच्छे से आपको पता चल जाएगा। आइए अब मैं नेक्स्ट इसका जो है, नेक्स्ट हमने इसके जो हमने ये डी वाई और डेल्टा वाई फाइंड करना है, इसके फार्मूले बनते हैं वो कैसे हैं,
कि जब हमारे पास एज वी नो दैट के वाई इज इक्वल टू, प्रीवियस चैप्टर और प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर भी मैंने ये बताया था कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी हम कह सकते हैं, मीन्स किसी भी क्वेश्चन को आप y के इक्वल लिख सकते हैं या f ऑफ x एक फंक्शन के तौर पे भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो ये होगा dy ओवर dx, और इसका डेरिवेटिव क्या होता था, ऊपर प्राइम लगाते थे कि f डैश ऑफ x। तो अब देखें dy चूंकि हमने फाइंड करना, तो वो मैं इधर ही रहने देता हूं और f डैश ऑफ x, और इधर ये डिवाइड हो रहा था, इधर आकर क्या हो गया मल्टीप्लाई। तो ये एक आपके पास फार्मूला बना ओके जो कि हमने डी वाई फाइंड करने के लिए इसको यूज किया करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर वन के अंदर हमने ये फाइंड करना है, तो ये देखिए फार्मूला मैंने बना के दे दिया आपको। अब आइए अगर हमने डेल्टा वाई फाइंड करना है, तो थोड़ा सा अगर आप पीछे चैप्टर नंबर टू में अगर जाएं तो अपने माइंड को थोड़ा सा क्लियर करें कि वहां पे हमने 2.1 एक्सरसाइज के अंदर हमने एक काम किया था कि जब हमारे पास होता था वाई इज इक्वल टू एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स, तो हम क्या कर रहे थे कि इसके अंदर चेंज लेकर आ रहे थे वाई के अंदर डेल्टा वाई का, वाई के अंदर डेल्टा वाई का और फंक्शन एक्स के अंदर डेल्टा एक्स का। तो यहां पे हमने ये देखे डेल्टा वाई फाइंड करना है, तो डेल्टा वाई इधर रखें और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, मीन्स प्लस का वाई उधर जाकर माइनस का, और वाई की वैल्यू क्या थी एफ ऑफ एक्स। तो दूसरा आपके पास क्या है फार्मूला, ये बनेगा। तो इन दो फार्मूलों के तौर पे आपने क्या करना है डेल्टा वाई और डी वाई को सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक लास्ट बात इसकी बता दूं और फिर हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखिए वो बात क्या है, वो बात ये है कि आपके पास डेरिवेटिव होता है वाई का, क्या होता है डेरिवेटिव, और ये डी वाई, बातें सेम है लेकिन इसमें लाइट सा फर्क है। वो क्या है ये वाई का डेरिवेटिव, फर्क क्या होगा इसके अंदर, फर्क ये है, गौर से सुने, फर्क ये है कि जब डेरिवेटिव की बात करता है तो डेरिवेटिव के लिए आपको किसी वेरिएबल का लेना लाजमी होगा, क्योंकि वो कहता है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, एनी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल आप को दिया जा रहा होता है और किसी आप इंडिपेंडेंट के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे होते हैं। लेकिन डिफरेंशियल क्या होता है, डिफरेंशियल एक इंडिविजुअल है, इसके तौर पे आप वेरिएबल लेते हैं, सॉरी डेरिवेटिव लेते हैं। तो वाई के साथ आपने क्या लिया डिफरेंशियल, डी मीन्स क्या है डिफरेंशियल। तो अब आइए जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको अच्छे से पता चलेगा। अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन क्या है इसके वो देखते हैं और ये फार्मूले अपने माइंड में रखें, इन्हीं के जरिए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए जी इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है तो y इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस वन, इसका पहला पार्ट, पार्ट नंबर वन, y इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस वन, ये आपके पास पार्ट नंबर इसका वन है, क्वेश्चन नंबर वन का। तो देखें जी इसको सॉल्व करना, हमने इसके अंदर डेल्टा वाई और डी वाई फाइंड करना है। तो आइए जी कैसे फाइंड करना है, और वो कहता है कि आपके पास ये जो चेंज लेकर आ रहा है कि व्हेन एक्स चेंज फ्रॉम थ्री टू, वो कहता है कि व्हेन एक्स चेंज टू, एक्स चेंज थ्री टू, थ्री पॉइंट जीरो टू, थ्री पॉइंट जीरो एक्स इज इक्वल टू थ्री एंड एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 3.02। आइए यहां पे ये आपके पास एक्स की वैल्यू और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वो क्या है 3.02। अगर मैं यहां पे अकेले डेल्टा एक्स की वैल्यू लेना चाहूं तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, और इधर भी हमने लिखा 3.20 माइनस 3, तो देखिए प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल, तो पीछे रह गया डेल्टा एक्स और ये थ्री थ्री से कैंसिल, तो पीछे आपके पास क्या रहेगा 0.02। लो जी ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई डेल्टा एक्स की। और अगर मैं आपको याद करवाना चाहूं, अभी अभी मैंने बताया कि डेल्टा एक्स किसके इक्वल होता है डी एक्स के, तो अगर ये डेल्टा एक्स की ये वैल्यू है तो आपके पास ये किसकी वैल्यू होगी फिर डी एक्स की, और वो क्या है 0.02। लो जी ये आपके पास क्या आ गई दो वैल्यू आ गई dx की भी और डेल्टा x की।
अब आइए हमने क्या फाइंड करना है, जो कि आगे आपको ये यूज होगी, तो इसलिए मैंने ये पहले निकाल ली। अब आइए इसका अगर मैं डी वाई फाइंड करना चाहूं, क्या फाइंड करना चाहूं, डी वाई, तो आपके पास क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स डॉट डी एक्स। तो ये देखें, इसीलिए मैंने यहाँ पे डी एक्स निकाला, जो कि हम यहाँ पे पुट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या चाहिए कि फंक्शन का पहला डेरिवेटिव, तो फंक्शन आपके पास ये पड़ा है, मीन्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वही फंक्शन है। तो अब आइए इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा टू एक्स और माइनस का जीरो। इसका डेरिवेटिव लिया पावर स्टार्ट में, पावर में कम किया और वन का डेरिवेटिव जीरो, और आगे हमने लिखा यहाँ पे डॉट डालकर डी एक्स, डी एक्स आपके पास क्या 0.02। और अब देखें जीरो इसमें ऐड करें तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपने लिखा टू इंटू एक्स और डॉट डालकर 2 0.02। अब एक्स की भी वैल्यू आपके पास मौजूद है, वो क्या है 3, तो लिखा 2 × 3 और डॉट डालकर 0.02। लो जी, अब आपने क्या करना है, और ये आपका क्या फाइंड हो रहा है, डी वाई। तो अब आपने जस्ट इनको मल्टीप्लाई करना है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आपने जस्ट यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपने 0.02 से उस 6 को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास किसका आंसर होगा, डी वाई का यहाँ पे आंसर होगा। ओके लॉजिक, ये तो आपका डी वाई तो फाइंड हो चुका है। अब डेल्टा वाई फाइंड करना है, डेल्टा वाई का भी मैंने आपको फार्मूला बताया है, डेल्टा वाई का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया, डेल्टा वाई आपके पास होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये होता है आपके पास डेल्टा वाई का निकालने का फार्मूला। तो देखें जी, डेल्टा वाई हमने एज इट रखा एफ ऑफ एक्स, तो देखिए वाई, वाई मीन्स क्या था, एफ ऑफ एक्स, तो वो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के, तो हमने क्या लिखा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस वन, और इसके बाद माइनस लगाकर फिर से एफ ऑफ एक्स, वो आपके पास क्या है जी, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस वन, ये माइनस ये लिखा, और एफ ऑफ एक्स मीन्स क्या है, वाई, वाई की वैल्यू क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस वन। ओके, डेल्टा वाई एज इट, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 × x डॉट डेल्टा एक्स, पहला रुकन मल्टीप्लाई में दूसरा रुकन माइनस वन, माइनस को अगर मल्टीप्लाई करें तो प्लस का वन, और इसके बाद डेल्टा वाई चेक करें माइनस का एक्स का स्क्वायर, और ये माइनस का वन प्लस का वन, और पीछे रह गया आपके पास डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 x और डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे बहुत ही आप अच्छे से अगर देखें तो यहाँ पे डेल्टा एक्स भी हमारे पास वैल्यू पड़ी है और एक्स की भी वैल्यू पड़ी है, तो आइए डेल्टा एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, 0. ये देखें 0.02 का स्क्वायर प्लस 2 × x की वैल्यू 3 और डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.02। तो यहाँ पे भी आपने इसका स्क्वायर लेना है, स्क्वायर वाला यहाँ पे आंसर, प्लस लगाकर 236 × 0.02 का मल्टीप्लाई करने के बाद, और इस आंसर को आपने क्या करना है, ऐड, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा आंसर, और वो किसका होगा, डेल्टा वाई का। तो ये था आपके पास पार्ट नंबर 1। अब आइए इसी का हम पार्ट नंबर जो है, इसके पार्ट नंबर मेरे ख्याल से 3 या 4 पड़े हैं, तो एक पार्ट में और करवाता हूँ, बाकी जो भी रह जाएंगे वो आप खुद से करेंगे। पार्ट नंबर 3 लिखा हुआ, वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, तो चेंज क्या दे रहा है आपको, वो कहता है कि चेंज एक्स चेंज फ्रॉम 4 to एक्स चेंज फ्रॉम 4 to 4.41। अब वो कहता है कि एक्स जो है वो चेंज हो रहा है 4 to 4.41 के। तो अब आइए इसको वैसे ही आपने सॉल्व करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें से डेल्टा एक्स और डी एक्स की वैल्यू बनाएं, वो कैसे बनती है, एज वी नो दैट कि एक्स के तौर पे चेंज हो रहा है, तो सबसे पहले आपके पास एक्स क्या है 4 है, और एक्स प्लस डेल्टा एक्स आपके पास क्या है 4.41। उसी तरह से डेल्टा एक्स की अगर वैल्यू निकालें तो आपने लिखा एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स और 4.41 माइनस 4,
यहां पे प्लस और माइनस कैंसिल, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.41, ये आपके पास क्या आ गया डेल्टा एक्स, और इसी को आप क्या लिखेंगे dx भी लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है इक्वल है, मैंने आपको ग्राफिकली बता दिया कि ये दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो ये आपके पास dx या डेल्टा एक्स का आंसर 0.41 आया। अब हम फाइंड करेंगे इसमें से dy, जो कि आप जानते हैं कि dy का फार्मूला क्या है, f डैश ऑफ x डॉट dx। तो पता चला कि अगर हम dy फाइंड करना चाहते हैं तो जो फंक्शन है उसका पहला डेरिवेटिव हमें चाहिए, तो फंक्शन आपके पास ये पड़ा है, तो आइए इसका जब मैं डेरिवेटिव लूंगा क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 1/2। तो पावर रूल अप्लाई हो रहा है, तो पावर स्टार्ट में पावर में एक काम कर दिया, और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव मीन्स डिफरेंशियल, तो ये चीज आ गई। तो देखें जी यहाँ पे हमने लिखा 1/2 और x ऊपर पावर नेगेटिव, नीचे आकर तो जगह x का वही स्क्वायर रूट, और डॉट डालकर आपने लिखा डी एक्स का स्क्वायर। ये देखें एक डी एक्स आपके पास पहले पड़ा था, एक डी एक्स आपका जो है वो इस पावर रूल के जरिए आया, तो आपने लिखा डी एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 1/2 और x की वैल्यू आपके पास है 4, और ये आपने लिख दिया 4 का स्क्वायर रूट, डॉट डालकर डी एक्स का आपके पास आंसर है 0.41 का स्क्वायर, और ये आपका सॉल्व करने से क्या आ जाएगा डी वाई। सॉल्व कैसे करना है कि 0.41 का लेंगे स्क्वायर, वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस सारे जो स्क्वायर वाला वैल्यू होगा उसको आपने ये 4 अंडर रूट, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 2 × 2 4 हो जाएगा, और 4 को आपने डिवाइड करना है, 4 पे डिवाइड करना है उस वैल्यू को, तो आपके पास वो क्या होगा डी वाई। अब आइए इसका मैं नेक्स्ट पार्ट मीन्स आपका वो सॉल्व करना चाह रहा हूँ डेल्टा वाई। तो एज वी नो दैट कि डेल्टा वाई अगर हम सॉल्व करना चाह रहे हैं तो डेल्टा वाई होता किसके इक्वल है, वो होता है आपके पास एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। तो आइए देखें यहाँ पे हमने लिखा डेल्टा वाई एफ ऑफ एक्स मीन्स फंक्शन के अंदर डेल्टा एक्स का चेंज, तो ये एक्स रहा स्क्वायर रूट ऐसे एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस लगाने के बाद एफ ऑफ एक्स मीन्स क्या है ये वाला एक्स का स्क्वायर रूट, तो डेल्टा वाई एज इट एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास 4 और प्लस लगाकर डेल्टा एक्स की वैल्यू आपके पास है 0.41 और माइनस लगाकर फिर से स्क्वायर रूट 4। तो अब देखें यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने का यहाँ पे आंसर होगा और माइनस के बाद यहाँ पे 4 का आंसर क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। अब इसका जो आंसर आप ऐड करेंगे और उसका लेंगे स्क्वायर रूट, उस स्क्वायर रूट वाला जो आंसर होगा वो यहाँ पे आएगा और माइनस 2, इस आंसर में से माइनस 2 कर देना तो आपके पास पीछे क्या आ जाएगा डेल्टा वाई, यहाँ पे उसका क्या होगा आंसर। तो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आपके पास कैलकुलेटर होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे आगे वैल्यू को जस्ट आपने कैलकुलेशन ही करनी है, तो वो कैलकुलेटर से आप करेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको वो आंसर मिल जाएंगे। तो ये था आपके पास इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 2 इसका रह गया है और वो आप खुद से करेंगे, बहुत ही आसान सा पार्ट है। अब आइए इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें वो कहता है यूजिंग डिफरेंशियल, डिफरेंशियल को यूज करते हुए फाइंड द डी वाई ओवर डी एक्स एंड डी एक्स ओवर डी वाई। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, देखें जी कैसे। तो देखें जी हमने डिफरेंशियल लेना है इसका, तो जब मैंने आपको पहले भी बताया कि डिफरेंशियल और डेरिवेटिव में फर्क होता है, तो यहाँ पे देखिए वो क्या फर्क होता है, हमने डिफरेंशियल में मेथड वही होता है, तरीकाकार सारा वही है, रूल सारे हमने वही लगाने हैं, बस सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ रहा है कि जहां पे हम वेरिएबल के तौर पे डेरिवेटिव ले रहे थे अब उसी की निस्बत हमने क्या करना है वेरिएबल को नहीं चूज करना, तो बस हमने डी साथ में लगाकर डिफरेंशियल डेरिवेटिव लेना। डिफरेंशियल लिया हमने एक्स वाई प्लस एक्स के साथ और इधर भी डिफरेंशियल लिया किसके साथ 4 के साथ। अब डिफरेंशियल इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स वाई के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया प्लस के बाद एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई और इसके बाद 4। बाकी देखिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि तरीका कार सारा वही है कि डेरिवेटिव अगर 4 का लेते थे तो आंसर क्या आता था 0, अब डिफरेंशियल जो है वो भी 4 का ही ले रहे हैं तो वो भी आंसर क्या देगा 0, तो ये आपने क्या लिख दिया इसका 0। अब यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल, तो डिफरेंशियल जब दो वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते थे तो रूल क्या होता था प्रोडक्ट रूल, तो यहां पे भी डेरिवेटिव तो नहीं है लेकिन डिफरेंशियल है तो रूल वही अप्लाई करना है, तो आपने क्या लेना है इसका प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट सेकंड डेरिवेटिव
सेकेंड एज इट फर्स्ट डेरिवेटिव और आगे प्लस डी एक्स एज इट इज और ये जीरो। इन दोनों में आपके पास क्या आ रहा है कॉमन, तो x डॉट डी वाई प्लस लगाकर y प्लस वन और ये डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये माइनस की फिगर उधर जाकर प्लस की, x डॉट डी वाई इज इक्वल टू माइनस y प्लस वन और साथ में डी एक्स। अब डी वाई इधर ही रहने दें और डी एक्स इधर मल्टीप्लाई हो, इधर आकर क्यों हो जाएगा डिवाइड, और इधर डी वाई के साथ x मल्टीप्लाई हो, उधर जाकर क्यों हो जाएगा डिवाइड, तो y प्लस वन ओवर x, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर डी वाई बाई डी एक्स। अब अगर आपने डी एक्स ओवर डी वाई फाइंड करना हो, डी एक्स ओवर डी वाई, तो चेक करें उसी को उल्ट कर दे, नीचे मीन्स डी एक्स पड़ा था वो ऊपर ले जाए, डी वाई को नीचे, तो ये x भी ऊपर और ये वाला भी नीचे, तो माइनस एक्स ओवर y प्लस वन। तो ये है आपके पास दोनों सॉल्व हो चुके। तो अब आइए इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर फोर के अंदर लिखा हुआ है एक्स वाई माइनस नेचुरल लॉग एक्स इज इक्वल टू सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज ए शॉर्ट फॉर फाइनल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखें जी, इसका भी हमने डी वाई ओवर डी एक्स एंड डी एक्स ओवर डी वाई ही फाइंड करना है। तो देखें जी कैसे, हमने लेना है इसका डिफरेंशियल। तो जब डिफरेंशियल लेंगे तो ये देखिए मैंने डिफरेंशियल लिखा एक्स वाई माइनस नेचुरल लॉग एक्स और इधर भी डिफरेंशियल किसका ले रहे हैं सी का। तो डिफरेंशियल दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने लिखा एक्स वाई के साथ माइनस डिफरेंशियल नेचुरल लॉग एक्स के साथ और ये कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव भी जीरो और डिफरेंशियल भी लेंगे तो वो भी क्या होगा जीरो। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल और यहां पे माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था वन ओवर एक्स और साथ में उसके जो नीचे लिखा उसका डेरिवेटिव, तो यहां पे भी वही काम, एक दफा नीचे और फिर से जो नीचे लिखा उसका डेरिवेटिव और इक्वल में जीरो। तो इसमें आपके पास डी एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स डॉट डी वाई प्लस लगाकर वाई माइनस वन ओवर एक्स और साथ में लिखा डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, डी एक्स हमने कॉमन ले लिया। तो x अब यहां पे देखें x डॉट डी वाई एज इट और इधर हमने लिख दिया माइनस y माइनस वन ओवर x और साथ में लिख दिया dx, ये माइनस प्लस वाली सारी फिगर थी उधर लेकर गया राइट साइड में, तो वो क्या हो गया माइनस का। अब डी वाई यहां पे मैं मूव करता हूं, देखें जी डी वाई ओवर डी एक्स, ये देखिए डी वाई इधर ही डी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो गया डिवाइड और x इधर मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो माइनस वाई माइनस वन ओवर एक्स और डिवाइडिंग बाई एक्स। ये आपके पास क्या फाइंड हो गया डी वाई ओवर डी एक्स। अगर मैं डी एक्स ओवर डी वाई फाइंड करना चाहूँ तो वो लिखा जाएगा आपके पास वाई माइनस वन ओवर एक्स, ये आपके क्या है आंसर। और यहाँ पे थोड़ा सा आगे आप अगर मजीद सॉल्व करना चाहें, इससे आगे भी ये थोड़ा सा सॉल्व हो रहा है, ये भी सॉल्व हो रहा है कैसे कि इसमें y के नीचे वन लिखे तो आपके पास दो रैशनल नंबर दरमियान में माइनस, तो आप एलसीएम ले रहे हैं, तो जहाँ तक ही रखें यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है, रॉन्ग नहीं होगा। तो ये था आपके पास 3.1 एक्सरसाइज का लेक्चर नंबर 1 जिसके अंदर मैंने आपको इंटीग्रेशन के इंट्रोडक्शन के साथ दो क्वेश्चन भी कंप्लीट करवाए। तो मिलते हैं इसी प्रोग्राम में नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 2 के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ बहुत अच्छे से आई होगी और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे जो लेक्चर सीरीज़ हैं आप उनके साथ कनेक्टेड रहें ताकि आपको हर हर बात की समझ आए और आप उसको अच्छे से गेन करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।